वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटोवर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और 2007 की मोस्ट एडवांस्ड प्रोडक्शन मोटरसाइकिल मेरे सामने खड़ी है। जी हां, आप भी इसके दीवाने होंगे, यामाहा की YZF R1। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही शार्प नोज देखने को मिल जाती है। और मैंने ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपके लिए स्पेशली टर्न ऑन करके रखे हैं कि इससे बिल्कुल देखने में गाड़ी जो है खूबसूरत लगे। हैलोजन अभी टर्न ऑन नहीं कर रहे हैं बिकॉज इसमें जो है बैटरी की इशू रहता है। यामाहा R1 में बैटरी चली जाएगी और दो दो प्रोजेक्टर्स और उसके बाद दो दो हैलोजन भी चलते हैं। फ्रंट 43mm अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, आप ये देख सकते हैं काफी खूबसूरत गोल्डन कलर के गोल्ड एनोडाइज सस्पेंशन हैं। फ्रंट 310mm ट्विन डिस्क देखने को मिल जाती है और 6 पिस्टन कैलिपर के साथ देखने को मिलती है, जिसमें मैंने ब्रेक पैड यूज करें हैं वो गोल्ड फ्रेंड की यूज करें, मेड इन चेक रिपब्लिक ब्रेक पैड्स हैं। इनलाइन 4 सिलेंडर देखने को मिलता है और इसके पीछे जो आप देख रहे हैं वो है KNN का ऑयल फिल्टर, जो कि मैंने ओरिजिनल KNN का ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर इसमें इंस्टॉल किया है। साइड प्रोफाइल से क्या बात ही क्या करना है। जी हाँ, ये वही मोटरसाइकिल है जो हम लोग आप लोग बचपन में नोटबुक्स के कवर्स पर देखा करते थे और ये वही मोटरसाइकिल है जिसके हम लोग एक टाइम पर दीवाने हुआ करते थे। मुझे लगता है कि R1 और हायाबुसा के ज्यादा लोग दीवाने हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल मुझे सबसे खूबसूरत जो इस मोटरसाइकिल की लगती है वो लगती है फ्रंट प्रोफाइल। और 2007 के बाद से कंपनी ने इसमें इंजन में काफ़ी चेंजेस करे थे। पहले इसमें 5 वाल्व सेटअप आता था पर सिलेंडर पर, कंपनी ने उसके बाद 4 वाल्व सेटअप कर दिया और इसमें टाइटेनियम वाल्व्स यूज्ड हैं, जिससे जो वाल्व्स का वेट है वो कम हो गया है और इंजन जो है वो आसानी से रेव कर पाएगा। यहाँ पर इंजन ऑयल के कैप पर लिखा हुआ है यामा ल्यूब रिकमेंडेड, बट मैं वो ऑयल यूज़ नहीं करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर बेली पैन मिल जाता है, यहाँ पर R1 का यहाँ पर स्टिकर देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल जो है वो काफ़ी बल्कि और काफ़ी मस्कुलर है। मुझे नहीं लगता कि कैमरा इसके साथ जस्टिस कर पा रहा होगा क्योंकि ये जो मोटरसाइकिल है देखने में काफ़ी जगह से छोटी भी महसूस होती है। लेकिन पर्सनली बताऊँ, जब आप इसको अच्छे से देखेंगे, सामने से देखेंगे, तो आपको लगेगा कि मोटरसाइकिल का जो साइज़ है वो काफ़ी बीफी और काफ़ी बड़ा है। एग्जॉस्ट की अगर हम बात करें, ये मोटरसाइकिल मैंने यूज्ड परचेज करी है। ये इसमें टू ब्रदर्स रेसिंग का ओरिजिनल एग्जॉस्ट डला हुआ है, मेड इन यूएसए। टू ब्रदर्स रेसिंग की कॉपीज भी आती हैं, लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर एग्जॉस्ट है ये ओरिजिनल एग्जॉस्ट है। रेयर प्रोफाइल की बात करें तो ये टेल लाइट देखने को मिलती है। एक बार इसको टर्न ऑन कर लेते हैं तो ये टेल लाइट हमें देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी काफ़ी खूबसूरत दिखती है। और ब्रेक दबाने पर ये और खूबसूरत दिखती है। रेयर टायर की बात करें तो काफ़ी फैट रेयर टायर 190/55 R17 का मेडजिलर का टायर देखने को इसमें मिल जाता है। और उसके बाद हम चलते हैं लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर पिलियन फुटरेस मिल जाते हैं। गोल्डन चेन इसमें दी हुई है, लेकिन अभी चेन जो है गंदी हो रही है ल्यूब करने की वजह से और थोड़ी पुरानी भी हो गई है, तो उसका वो गोल्डन कलर इतना हाईलाइट होकर नहीं आ पा रहा है। और माफ़ी चाहूँगा, गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रही है क्योंकि जिस एरिया में हम आए हैं यहाँ तक आते आते गाड़ी पर बहुत धूल ऑटोमेटिकली चढ़ जाती है। उसके बाद ये जो एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं ये टाइटेनियम पाइप्स वाला एग्जॉस्ट है, तो इस पे रस्टिंग इश्यूज नहीं होते हैं, ओरिजिनल एग्जॉस्ट है। रेयर मोनोशॉक आपको मिल जाता है इसमें देखने को, और ये जो मोनोशॉक है ये सारे तरीके से एडजस्टेबल है। तो अभी फिलहाल जो है मैं इसको सॉफ्टर सेटिंग पर ही चला रहा हूं क्योंकि हमारे इंडियन रोड्स के हिसाब से ये सस्पेंशन बिल्कुल ट्यून नहीं है। तो इस सस्पेंशन को फुल सॉफ्ट सेटिंग पर भी अगर मैं इंडियन रोड्स पर चलाता हूं तो ये मुझे स्टिफ महसूस होता है। अभी हम चलाएंगे तो उसके बारे में और आगे बात करेंगे। टैंक पैड कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा, थोड़ा हाई कॉन्ट्रास्ट कलर में मैंने टैंक पैड लिया है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो इसकी 18 लीटर्स की हमें देखने को मिलती है। और इंजन की तरफ हम चलते हैं, थोड़ी सी और बात करते हैं इंजन की। तो इंजन देख सकते हैं आप कितना मैसिव है साइज में। मित्सुबिशी की इग्निशन कॉइल्स इसमें आती हैं और यामाहा कुछ कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं करता, तो ज़्यादातर इनमें सामान डेंसो का या मित्सुबिशी का आता है। और इंजन में जो है स्लिपर क्लच इक्विप्ड इंजन है ये। उसके बाद इसमें जो है पावर की अगर हम बात करें तो 189 हॉर्स पावर कंपनी की क्लेम्ड है। जब एयर इनटेक्स में से जो है एयर का प्रेशर जा रहा होगा तो 189 हॉर्स पावर ये मोटरसाइकिल प्रोड्यूस कर सकती है। और मैक्स टॉर्क की बात करें तो मैक्स टॉर्क है 112 न्यूटन मीटर्स के आसपास का, जो कि काफ़ी अच्छा है और एक लीटर क्लास मोटरसाइकिल के हिसाब से बिल्कुल टॉप नॉच दिया हुआ है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो सबसे पहली चीज़ आपको नोटिस हो रही होगी वो ये है कि इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई है, 85 डिग्रीज। और अभी तो ये हाई नहीं है, ये नॉर्मल है क्योंकि R1 में हीटिंग प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं। स्विच गियर की बात करें तो आप ये देख सकते हैं स्विच गियर हमें मिल जाता है। फ्रंट सस्पेंशन प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी के साथ आते हैं, रिबाउंड एडजस्टेबिलिटी के साथ आते हैं, और नीचे की तरफ चलते हैं तो कंप्रेशन एडजस्टेबिलिटी भी यहाँ से इनमें हो जाती है। तो एडजस्टेबिलिटी सारे तरीके की इसमें हो जाती है। इंजन जो है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पावरफुल इंजन है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपने कुछ शॉट्स देखे होंगे तो आपको इंजन की पावर का अंदाज़ा लग गया होगा। और ये बहुत ही रॉ इंजन है अगर हम बात करें
तो रॉनेस के मामले में ये इंजन बेहद बहुत ख़तरनाक और मतलब कहते हैं जंगली पावर है बिल्कुल। तो बहुत रॉ इंजन है बिल्कुल, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, कोई भी एक सेफ्टी फीचर नहीं है, ABS भी नहीं है, तो इसको बहुत संभाल कर चलाना पड़ता है। इनफैक्ट मैं फुल थ्रॉटल तो इसमें बहुत कम गया हूँ, कभी कभी बहुत कम रोड मिला है तो फुल थ्रॉटल में तभी गया हूँ, उसके अलावा मैं फुल थ्रॉटल इस मोटरसाइकिल में कभी नहीं जाता हूँ। जी हाँ, तो हम थे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एनालॉग टैकोमीटर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। आप ज़रूर इसके साउंड का इंतजार कर रहे होंगे तो मैं साउंड भी आपको अभी सुना दूंगा, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की और उसके बाद वापस ऑन करके ऑफ करके ऑन करते हैं। तो यहाँ पर टेल टेल लाइट्स मिल जाती हैं और क्योंकि ये लीटर क्लास मोटरसाइकिल है तो इसमें हमें जो है फ्यूल गॉज नहीं मिलता है, ना ही डिजिटल मिलता है ना एनालॉग मिलता है, सीधी जो है 4 लीटर के बाद रिजर्व की लाइट जल जाती है जब 4 लीटर पेट्रोल होता है इंजन में टैंक में। तो यहाँ पर शिफ्ट लाइट मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छा फील देती है और ये किलोमीटर पर आवर में है। बाकी अगर हम बैटरी के टर्मिनल्स निकालते हैं तो ये गाड़ी का जो मीटर था वो माइल्स पर आवर में आता था, तो माइल्स पर आवर में ही वो बाय डिफॉल्ट चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर ट्रिप ए मिल जाती है, ट्रिप बी मिल जाती है और यहाँ पर लैप टाइमर मिल जाता है, 83 डिग्री इंजन टेम्परेचर है। और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स कंपनी ने दिए हैं, जैसे कि इसमें आप ब्राइटनेस भी सेट कर सकते हैं, अगर आप रात को राइड कर रहे हैं हेलमेट पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो ब्राइटनेस भी स्क्रीन की कम हो जाएगी, सेट हो जाएगी। उसके बाद इसमें एयर फ्यूल मिक्सचर भी सेट हो जाएगा इधर से ही थोड़ा बहुत, एयर फ्यूल मिक्सचर पूरा तो नहीं लेकिन हाँ CO सेटिंग्स कंपनी की होती हैं, जो CO सेटिंग्स से मिक्सचर लीन या रिच आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, उसको मैंने ज़्यादातर छेड़ा नहीं। और सर्विस मैंने इसकी करी है तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि जापानीज़ टेक्नोलॉजी उस टाइम पर कितनी ज़्यादा एडवांस्ड हुआ करती थी। और इसमें एक चीज़ और कि इसमें राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिलती है, यानी कि आप जहाँ से आप थ्रॉटल इनपुट दे रहे हैं ये थ्रॉटल इनपुट डायरेक्ट थ्रॉटल बॉडीज पर नहीं जा रहा, बीच में एक सर्वो है जो कि इस थ्रॉटल इनपुट को कंट्रोल कर रही है। तो जी हाँ, इसमें राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। और R1 में सही बताऊँ तो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इसमें स्टेयरिंग डैम्पर की बहुत ज़रूरत है और स्टेयरिंग डैम्पर भी कंपनी ने इसमें देके रखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेयरिंग डैम्पर भी इसका काफ़ी अच्छा वर्क करता है। लेकिन सही बताऊँ मैं R1 को चलाने के लिए हाथ जो है कर्रा करके चलाना पड़ता है क्योंकि हैंडल जो है बहुत हैवी है। तो चलिए, अब आपने साउंड तो सुनी लिया होगा, आपको बहुत मज़ा आया होगा, हम इसको राइड करके देखते हैं रोड पर कि क्या धूम मचाती है गाड़ी राइड पर। और बिगिनर्स के लिए ये व्हीकल स्पेशली नॉट रिकमेंडेड है क्योंकि सेफ्टी फीचर्स कुछ नहीं है, बहुत रॉ इंजन है, आवाज़ भी इंजन की जो है वो थोड़ी सी रॉ आती है इसमें से, तो इंजन जो है वो काफ़ी रॉ है। और टू ब्रदर्स अभी स्लिप ऑन लगे हुए हैं, अगर इसमें वो आप लगा देंगे फुल सिस्टम तो फिर तो खतरनाक चीखना है। लेकिन चलिए रोड पर चलते हैं और कुछ पावर व्हीलीज के मजे उठाते हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट आपका कराते हैं। वाइजर डाउन, ये कैम चेन टेंशनर की थोड़ी सी इसमें आवाज़ आती है और जैसे ऑयल प्रेशर बिल्ड हो जाता है आवाज़ चली जाती है। अब चली गई, चलिए चलते हैं, एक छोटी सी पावर व्हीली। एग्जॉस्ट साउंड आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और मैं गाड़ी जो है थोड़ी सी धीरे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि फिर माइक में ये आवाज़ कैप्चर नहीं हो पाएगी मेरी, और कैप्चर होगी तो वो साउंड क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त नहीं आएगी। हालांकि रोड बहुत अच्छा है सामने, मगर इस रोड पे क्या बम्स बहुत हैं। तो R1 क्या है, R1 को चाहिए बिल्कुल अच्छा सा इंजीनियर्ड रोड, बट ये अच्छा सा इंजीनियर्ड रोड नहीं है, इसमें बम्स बहुत हैं इसका, क्योंकि शॉकअप सस्पेंशन जो है वो टाइट सेटअप कंपनी ने इसमें दिया हुआ है। और एक चीज़ मुझे इसमें करने में बड़ा मज़ा आता है कि ये है तो फ्लैट प्लेन इंजन जो कि 2007-8 में आया था, बट इसके बाद जो है क्रॉस प्लेन इंजन आया था जिसकी आवाज़ फ्लैट प्लेन से अलग थी, थोड़ी सी आप माने V8 जैसी वो आवाज़ करता था ड्र ड्र करके तो वो आवाज़ करता था, और वो आवाज़ इसमें से निकालने में 1 RPM पे आती है, बहुत मज़ा आता है मुझे। लो बड़ा गियर डालते हैं, सिक्स गियर पर मैंने डाला था और उसके बाद फुल एक्सेलरेट करने की कोशिश करी थी, तो एक सर्टेन RPM पे वो आवाज़ जो है कैप्चर इसमें होती है। R1 तो मैंने ले इसलिए ली क्योंकि मुझे गाड़ी बहुत पसंद थी एक टाइम से, और इंडियन इनवॉइस मिल गई मुझे तो इसलिए मैंने ले ली, इंडियन बिलिंग की गाड़ी है ये, तो मेरा बहुत दिल था R1 लेने का, बट मैं दूसरी मोटरसाइकिल्स पर शिफ्ट हो जाता था क्योंकि मोटरसाइकिल्स बहुत पुरानी है, इसमें सर्विस जो है पूरी ऊपर से नीचे तक करनी पड़ती है जो कि मैंने करी। बट R1 जो है बेहद कॉम्प्लिकेटेड है अंदर से और ये सिटी में बिल्कुल भी नहीं चल पाती। इन रोड्स पर भी मैं इसको चलाता हूँ तो इन रोड्स पर भी वो अच्छे से नहीं मैं भगा पाता क्योंकि यहाँ पर जो है रोड्स आपको बता चुका हूँ मैं अच्छे से, इतने खास अच्छे रोड्स नहीं है, स्मूथ रोड्स नहीं है, थोड़ा सा कहीं कहीं पर मतलब इंजीनियरिंग उतनी अच्छी नहीं की गई है रोड पर। तो लो स्पीड्स के लिए ये रोड अच्छे हैं, लेकिन अगर 200 प्लस आपको जाना है तो उसके लिए आपको अच्छे रोड्स ही चाहिए पड़ेंगे। इनफैक्ट मुझे 150 के बाद ही ऐसा लगने लगता है कि थोड़ी सी व्हीकल जो है यहाँ उछल रही है, जबकि पूरे जो सस्पेंशन है मेरे वो सॉफ्टवेयर सेटिंग्स पर चल रहे हैं।
और ये बैक फायरिंग हमारी व्हीकल दे रही है। हाय हाय तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बस छोटी सी मैंने वीडियो बनाई थी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माई नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस। भगाता मैं हूँ गाड़ी, मगर सांस मेरी फूल जाती है, बिकॉज इसको कंट्रोल करना भी एक आर्ट है।